जय माता दी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए हम लाए हैं एक अचूक और कभी ना हटने वाला वशीकरण टोटका। जी हाँ दोस्तों, इस वशीकरण से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्यार हो, पड़ोसन हो या भाभी हो। जी हाँ दोस्तों, इस वशीकरण से आप जिसको चाहे वश में कर सकते हैं और आपके किए हुए इस वशीकरण को आपके अलावा कोई नहीं हटा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस वशीकरण को आपके अलावा और कोई नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये वशीकरण अघोर तप और काली शक्तियों के उच्चारण के द्वारा तैयार किए गए मंत्रों से होगा, जिससे आप दुनिया में किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और ये सरल और सटीक वशीकरण जिसे आप अपने घर बैठे कुछ ही समय में कर सकते हैं। और आप अगर ये टोटका अपने प्यार, शादीशुदा औरत, भाभी या पड़ोसन पर करेंगे तो आप जैसा जैसा उसे बोलेंगे वो वैसा वैसा ही करती जाएगी और आपको कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाएगी। ये वशीकरण आपके और उसके बीच रहेगा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। दोस्तों, आप कुछ ही समय में अपने पसंद की लड़की, भाभी, पड़ोसन को कुछ ही मिनटों में अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है, सबसे पहले 3 नींबू लें। 1 नींबू पर 786, दूसरे नींबू पर खुद का नाम और तीसरे नींबू पर भाभी, औरत या जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले नींबू पर 786, दूसरे नींबू पर खुद का नाम और तीसरे नींबू पर उस व्यक्ति का, उस औरत का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लिखिएगा इस तरह से। और फिर एक कपड़ा लें। एक बात का ध्यान रखें, आप केवल लाल या काले रंग के मार्कर से ही 786 लिखें। फिर उसे अपने सामने रखकर उन महिला का नाम, भाभी का नाम लें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात का, एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि वो जगह एकांत होनी चाहिए और आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ताकि कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं और बहते हुए पानी में बहा आए। और ऐसा करते समय पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, ये वशीकरण बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली वशीकरण है। आप एक बार जरूर इसको आजमाएं और फिर देखिएगा, आपको वह महिला जरूर मिल जाएगी, वो भी कुछ ही समय में। ये वशीकरण गारंटी के साथ रिजल्ट देगा। आपको अगर इस विधि में कोई भी शंका या परेशानी है तो आप कॉल या फिर व्हाट्सएप या फिर IMO द्वारा नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिए जा रहे हैं। और अब मैं आपसे चाहूंगी आज्ञा, जय माता दी।